नमस्कार सभी प्यारे भावी अध्यापकगणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, हम आशा और उम्मीद करेंगे आपका बहुत ही अच्छा शानदार पेपर हुआ। तो देखो हम जो आज गुरुजी आज तारीख क्या है, आज तारीख है 15 अक्टूबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 15 अक्टूबर 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, फर्स्ट पेपर जो है वो हम आपके सामने जीके के जितने भी पर्सन हैं जिसमें संविधान हो वो सारे प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो तैयार रहिएगा बिल्कुल और ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल स्टिक है, कोई इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सारा इसके जो है उत्तर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, देखो आपके कैसे भी हो सकते हैं प्रश्न, आप ये जरूर मिला लीजिएगा लेकिन उत्तर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म, यानी शिकागो के अंदर विवेकानंद जी गए थे और विश्व धर्म संसद में वो कब गए थे, यानी कब भाग लिया था शिकागो में, तो वो भाग जो लिया था ये आपके ऑप्शन में था सितंबर 1893, लेकिन एक्चुअल डेट याद रखना 11 सितंबर 1893 के अंदर जो है वो भाग लिया था। हाँ अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, देखो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारी किताब से ही सारे प्रश्न आए, हमारे नोट से आए, देखो सभी ने पढ़ाया, अच्छी मेहनत की, सभी के नोट से प्रश्न आए, लेकिन आइए बात बता दूँ जिसने, जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ कर गए हैं वो ज़रूर मिलाएं और आप जाने कि कितने पर्सन पेपर में जो फर्स्ट ग्रेड का हुआ, अब फर्स्ट ग्रेड का आप लेवल दे सकते हो उसमें से अपने इतने पर्सन पुटअप हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद ही मेरे को लगा होगा कि एक या दो पर्सन होगा जो नोट्स से बाहर है, बाकी कंप्लीट आपको नोट्स में मिल जाएंगे, भारतीय इतिहास हो चाहे संविधान हो चाहे राजस्थान का जीके हो। चलो देखिए, उदारवादी नेता नहीं थे, तो देखो ये तो हम बार बार पढ़ते हैं कि जो विपिन चंद्र पाल जी थे वो उग्रवादी नेता थे, तो इसका उत्तर जो सही था वो क्या था, विपिन चंद्र पाल। तानसेन जैसा, यानी हजारों वर्षों से, ये बात अबुल फजल ने क्या था कि हजारों वर्षों से तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, तो ऐसे आया हुआ था ये प्रश्न, ये कथन किसने कहा था। मैं कुछ प्रश्न शॉर्ट में लेकर आया हूँ, किस लिए, क्योंकि हमारे पास डिजिटल पैनल नहीं है इसीलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो याद रखना। अबुल फजल जो था, देखो अबुल फजल का पिछली बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न देखने को मिला था, उसमें ये प्रश्न था कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो पंचतंत्र वही ग्रंथ है जिसमें कलीला दमना दो पात्र हैं, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया, तो अबुल फजल ने उसको फारसी भाषा में, ये प्रश्न पिछली फर्स्ट ग्रेड में आया था और अब की बार ये आ गया कि अबुल फजल ने क्या कहा था, तो ये कथन के बारे में याद रखना। बृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो बृहद राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री, और याद रखना राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री जो थे वो भी कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ये भी अच्छा प्रश्न था। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, ये भी बार बार मैंने आपको क्लास में बताया है, तो महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। बाबर द्वारा निर्मित इमारत, देखो बाबर था ना, मैं रियल बताऊँ तो नॉर्मल ये प्रश्न, देखो एक तो इसमें से मास्टर लगभग करवाते हैं ये जामा मस्जिद वाला, जामा मस्जिद जो है वो संभल के अंदर बनवाई थी, ये तो 1529 में ये तो हम बार बार करवाते हैं, लेकिन काबुली बाग ये प्रश्न थोड़ा सा था कि हाँ काबुली बाग वाला आया, तो लेकिन ये प्रश्न होता था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबर आपको पता हो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, काबुल से ही आया था, तो काबुली बाग मस्जिद और जामा मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद कहाँ गुरु जी, ये मेरे भाई पानीपत के अंदर हरियाणा के अंदर, तो एक तो ये बनाई थी और दूसरी जामा मस्जिद संभल के अंदर मंगाए। ठीक है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना, देखो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में हुई थी, ये थोड़ा सा प्रजामंडल का प्रश्न था और घुमाकर पूछा गया था, घुमाकर क्या पूछो, देखो दो ही प्रजामंडल ऐसे थे अनेक भी, लेकिन दो थे जिनकी स्थापना बाहर हुई थी, जिसमें एक तो सिरोही था जिसकी मुंबई में हुई थी और एक बीकानेर था जिसकी स्थापना कोलकाता हुई थी, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है। गोविंदगिरी, ये भी प्रश्न अच्छा था, देखो गोविंदगिरी का बार बार वो मानगढ़ धाम पढ़ते हैं बांसवाड़ा वाला, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा था कि गोविंदगिरी जो है वो बेसड़ा गांव से संबंध है, और आपको पता हो तो गोविंदगिरी जी का जो जन्म होता है वो कौन से गांव में होता है, बेड़सा गांव में, बेड़सा गांव जो है वो कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर। मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो कौन था, तो अपने वो पढ़ते ना उदय भीम भोपाल मान सिंह, तो उदय भान सिंह जो था, अच्छा इसमें ये पूछा था कि उदय भान सिंह कहाँ के थे, तो उदय भान सिंह जो थे वो धौलपुर के शासक थे, ये बात भी याद रखना। क्रांति के समय करौली का शासक कौन था, देखो हम क्रांति के समय राजस्थान में जितने भी राजा थे वो सारे ही पढ़ते हैं, तो 1857 की क्रांति के समय जो करौली का शासक था वो मदन पाल था, और वो भी पढ़ते हैं ना तोपों की सलामी इसकी बढ़ा दी थी, इसकी पहले तोपों की सलामी 13 हुआ करती थी, बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी थी 17, राम सिंह की घटा दी गई थी।
2.5 दिन के झोपड़े के बारे में प्रश्न आया था, किस राजा के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो वो कंठाभरण संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी अजमेर के अंदर, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, उसको तुड़वाया था अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके जगह क्या बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी अच्छा प्रश्न था। वंश भास्कर, देखो हमारे इससे प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि राजस्थान के जो राज्य कवि हैं वो सूर्यमल मिश्रण जी हैं, इसने ग्रंथ अनेक लिखे थे और बूंदी के अंदर इनका जन्म हुआ, ये पटवारी भर्ती में भी प्रश्न आया हुआ है। तो देखो सूर्यमल मिश्रण जी हैं, इसने वंश भास्कर वीर सत्सई सती रासो जैसे ग्रंथ की रचना की थी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अपने सही क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल याद रखना। अच्छा अब देखो यहाँ ब्लू पोटरी था ऑप्शन के अंदर, और बहुत से साथी ब्लू पोटरी कर कर आए हैं। मैं आपको बता दूं, कृपाल सिंह नहीं दे रखा, यहाँ कुदरत सिंह दे रखा था, और कुदरत सिंह का जो उत्तर होगा वो सही क्या होगा, मीनाकारी। देखो जल्दबाजी नहीं करनी, मैंने ये अभी ये टेलीग्राम पे भी डाला है, अपना जो टेलीग्राम है, और जीके की निरंतर आपको क्लासें मिलती रहेंगी, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो जीके बाय अजय सर के नाम से है, तो उससे ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर ये PDF भी डाल दूंगा पेपर वाली, ठीक है, और निरंतर आगे भी आपको इसी तरह क्लासें वगैरह वो मिलती रहेंगी। कालीबंगा का ऐसे पूछा था कि कालीबंगा का उत्खनन किया था बहुत लोगों ने किया था, जिसमें 5 लोग थे, लेकिन उसमें पूछा था कालीबंगा का उत्खनन करता नहीं था, तो RC अग्रवाल जो थे वो उत्खननकर्ता के अंदर शामिल नहीं थे, जिसमें अपने अन्य कौन कौन से थे, BB लाल, BK थापर, JP जोशी और लेखा, ये 4 ऐसे व्यक्ति थे, 5वें का थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा, तो जिन्होंने उत्खनन किया था, लेकिन RC अग्रवाल यहाँ के नहीं थे। राष्ट्रपति, अच्छा ये 33 नंबर, वो थोड़ा सा क्या है कि यहाँ जगह नहीं बची थी इसलिए मैं वहाँ गया, तो चलो मैं यहीं करवाता हूँ, प्रश्न ही देखने अपने को, तो आप मिला लेना कौन सा प्रश्न आपका किस तरह से हुआ था। अच्छा वीटो पावर के संबंध में आया था, तो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है ना, तो इसके बारे में गलत कथन के बारे में आया था, पावर 3 प्रकार से पढ़ते हैं अपने, ये इसमें एक तीसरी बार वीटो पावर भी पढ़ते हैं ना, तो याद रखना विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। इसमें ये क्या था कि कोई व्यवस्थापिका कोई बिल पेश करती है, तो उसके बिल के बारे में प्रश्न आया हुआ था, तो याद रखना। अभी ये प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पूरे 4 ऑप्शन थे इसमें बड़े बड़े, लेकिन इसमें आप याद रखना ये मिला लेना लाइन, विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है, तो ये बात आप मिला लेना। अच्छा फिर उसके बाद वाला जो प्रश्न था वो था रामगढ़ विषधारी जो है, ये बार बार प्रश्न आया पीछे जितने भी एग्जाम हुए लगभग सभी में रिपीट हुआ है, रामगढ़ विषधारी कहाँ है, बूंदी में। पहले राजस्थान में 3 टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई गई थी 3 अभ्यारण्यों में, अब वर्तमान में कितने चल रही है, 4, जिसमें चौथा कौन सा है, रामगढ़ विषधारी। गुरु जी पहले वाले 3 कौन से हैं, एक तो अपना रणथंबोरवाड़ा नेशनल पार्क वो हो गया, केवलादेव हो गया, और दर्राया मुकुंदरा कोटावाड़ा हो गया। इसके बाद ये आया था कि विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, शायद मेरे को कुछ याद है, मैं बता देता हूँ, जयपुर शहर का परकोटा, बिल्कुल ये बार बार मैं लिखाता हूँ प्रश्न, 2019 में ये राजस्थान पुलिस में भी आया था, जयपुर शहर के परकोटे को शामिल किया, और एक गागरौन के किले के बारे में था, और एक शायद कुंभलगढ़ का किला था, तो 6 किले राजस्थान में ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया है, लेकिन हल्दीघाटी स्थान को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया, तो ऐसा ही प्रश्न था। अच्छा इधर वाले प्रश्न सारे क्लियर हुए, अब इधर आ जाओ, इसमें था लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के बारे में सही कथन बताओ, तो लोकसभा के वैसे अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें होती हैं 552, और वैसे होती सीटें कितनी हैं, तो आप ये बात भी याद रखना कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 552, जिसमें से राज्यों में से कितनी जाती है, 530 सीटें जाती हैं, तो इससे अधिक नहीं हो सकती, ये था ऑप्शन में, तो 530 से अधिक नहीं हो सकती। फिर अपने इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि ST को आरक्षण है या नहीं है, वो चीज़ें सारी। ये भी प्रश्न ग्राम सेवक में, इसमें ये पूछ लिया था बडला में जो इकाइयाँ वो कितने कितने मेगावाट की हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऊपर से उठा लिया कि सोलर पार्क जो बडला है वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है मेरे भाई, तो वो आपको याद रखना है जोधपुर के अंदर है। वाटर मीटर, देखो वाटर मीटर हो गए, बिजली के मीटर हो गए, ये सारा जो काम है वो जयपुर के अंदर होता है, तो इसमें से गलत कथन पूछा था, तो असंगत कौन सा था, भिवाड़ी कहाँ पड़ता है, अलवर के अंदर। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भी किसे बोला जाता है, भिवाड़ी अलवर को, तो इसका जो राइट उत्तर था वो यही होगा, अलवर वाला भिवाड़ी वाला। और वैसे अगर आपसे पूछे वाटर मीटर है कहाँ, तो जयपुर के अंदर। जिसका ये कल पेपर है वो जरूर देखे जाना, इसमें से हो सकता है एक प्रश्न ही आए, तो ये बहुत बढ़िया है।
राजस्थान की नई खनिज नीति के अनुसार, अब इसमें चार ऑप्शन थे, मैं आपको देखो लिख नहीं पाया क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है वो पता ही है, तो इसमें ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो ये खनिज नीति वाला देख लेना आप। माई बांसवाड़ा, देखो राजस्थान का पहला जो माई बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, पहला पावर राजस्थान का पावर प्रोजेक्ट रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, और ये माई बांसवाड़ा बड़ा यह है जो है इकाइयां इसकी 1 से 4 इकाइयां का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखना यह 2024 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। फिर आया था कोपेन के अनुसार वाला वो प्रश्न, राजस्थान में जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, तो इसमें से ये था कि कौन सा जलवायु का भाग नहीं है, तो मैं आपके सामने सारे लिख देता हूँ, ए डब्ल्यू सी डब्ल्यू जी बी एस एच डब्ल्यू बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, तो ये नहीं था, ठीक है ये रखना बी एस के डब्ल्यू। देखो बिल्कुल एक एक अक्षर बदल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़े। अच्छा, और एक मैं सभी विद्यार्थियों को सूचना दे दूँ, हम सोमवार से यानी आज 15 हो गई तो 17 अक्टूबर से हम जीके का शाम को 4:30 बजे से बैच शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल टारगेट ऑफलाइन बैच रहेगा, पूरे दिन में सिर्फ एक बैच शुरू कर रहे हैं, तो इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें, संपर्क गुरु जी संपर्क के मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 99-838-91-598, ये मेरे ही नंबर है, तो आप इस पर मेरे से संपर्क कर लेना, मैं आपको टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता दूँगा। मंकी पॉक्स राजस्थान में, जो देखो मंकी पॉक्स ये चर्चा में था और मंकी पॉक्स का प्रश्न आ गया, मंकी पॉक्स का भारत में पहला जो रोगी मरीज मिला था वो केरल के अंदर मिला था, लेकिन देखो मंकी पॉक्स राजस्थान में प्रयोगशाला पूछी है, देखो आप सोच के देखो मंकी पॉक्स एक बड़ा वायरल है तो इसको कहाँ पर लेके जाएंगे, राजधानी में लेके जाएंगे, ऐसे छोटी मोटी जगह थोड़ा ना खोल देंगे हर जगह, तो याद रखना इसका राइट जो उत्तर होगा वो क्या होगा, जयपुर। खेलो इंडिया राजस्थान में कुल कितने पदक जीते, तो खेलो इंडिया में राजस्थान ने कुल पदक 32 जीते जिसमें से 8 गोल्ड थे, लेकिन अब की बार राजस्थान की स्थिति सबसे बेहतर थी, यानी 10वीं रैंक अपने ऊपर, क्योंकि इससे पहले राजस्थान की जो स्थिति रही है वो 11वीं रैंक पे भी रही है, अब 10वीं रैंक थी यानी अच्छी थी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 राजस्थान कौन से स्थान पे था, तो जल पुरस्कार के मामले में राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पे था, दूसरे स्थान पे था। राज्यसभा सीटों का बंटवारा, अच्छा ये था राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, देखो राज्यसभा मैं ढंगू देखा तो 1, 2, 3, 4 अक्षर है, ये मैंने ऐसे करवाया हो आपको, चौथी अनुसूची के अंदर, ये प्रश्न बार बार मैंने आपको एग्जाम में क्लास में भी करवाया कि ऐसे गिनकर 1, 2, 3, 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा। इसके बाद प्रश्न था SIIRT जो अब नाम कर दिया RSCERT, इसका ये जो नाम है वो कब किया था, तो 11 नवंबर 1978 के अंदर, ये बात आप याद रखना। असगर वजाहत को व्यास मान 2021 में जो दिया गया था उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध नाटक से है, नाटक का नाम था महाबली, ठीक है। तारा बालू का स्तूप के बारे में आया था राजस्थान की जियोग्राफी से, तो तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़ जैसलमेर सूरतगढ़ श्री गंगानगर, इसके अंदर अधिक पाए तारा बालू का स्तार की आकृति होते ना इस प्रकार से अपने ये इसे। राजस्थान में डाइटों की संख्या पूछ ले तो कितनी है, 33। भारत में सरकार का खाता सलाहकार पूछा गया था तो कौन है, खाता सलाहकार होता है लेखा महानियंत्रक, तो लेखा महानियंत्रक होता है खाता सलाहकार, लेकिन जांच करने वाला अलग होता है, CAG जांच करने वाला होता है, लेकिन लेखा महानियंत्रक क्या करता है, खाता सलाहकार होता है। भारत बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, देखो भारत में फूलों की जो घाटी है वहाँ पर अभी फूलों की घाटी अभ्यारण्य जरूर है लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है फूलों की घाटी। राजस्थान में बड़ा नदी बेसिन किसका है, ये प्रश्न भी काफ़ी विद्यार्थी गलत करके मैसेज आ गया था गुरुजी में, जल्दबाजी में वो कर आया क्योंकि इसमें ऑप्शन में चंबल नदी भी था, अब जैसे बड़ी का नाम आता तुम चंबल टेक के आते हो, लेकिन आप ये देखो चंबल की राजस्थान में लंबाई 331 किलोमीटर है, अगर अपने बात करें बनास की 512 किलोमीटर है, तो बताओ लंबा बेसिन किसका होगा, या सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ की अगर अपने बात करें तो बनास नदी में होती हैं जो पाली से निकलती हैं सर्वाधिक सहायक नदियाँ, तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या होगा, बनास नदी। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा था, राजस्थान का लिंगानुपात तो 928 है, लेकिन इसने पूछा सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है, ये पेज मैंने शायद 8-9 दिन पहले टेलीग्राम पर डाला था सारा, तो याद रखना सर्वाधिक लिंगानुपात, अभी तुम ऐसे सोच रहे हो गुरुजी 2011 से जनगणना से प्रश्न कहाँ आएंगे अभी, तो भाई साहब आगे जनगणना हुई कहाँ है, तो याद रखना आ सकते हैं 2011 की जनगणना अभी भी छोड़नी नहीं है,
तो डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना 994। 2019 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाए जाते हैं, भेड़ बाड़ा में बाड़मेर, यानी पशु भी बाड़मेर के अंदर है सारों ज़्यादा। तो बिल्कुल अच्छा पेपर था आज आपका, और मैं उम्मीद करूँगा कि सभी विद्यार्थी गणों का यह पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा। ठीक है, बाकी जो आगे रीट को लक्ष्य और सेकंड ग्रेड को लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो उस पर पूरी मेहनत। अब आपने जो यहाँ गलतियाँ की, टेस्ट सीरीज नहीं की, जो भी गलतियाँ की थी उन गलतियों में सुधार करके बढ़िया मेहनत के साथ उभरे, और हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द अध्यापक बने। मिलते हैं अपने अगले भाग में क्लासों के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।